इसमें मैंने 21 फंदे लिए हैं, इस डिजाइन को बताने के लिए 15 फंदे का डिजाइन है। फर्स्ट रो में 8 उल्टा बुनेंगे, आठ उल्टा, उसके बाद 2 सीधा फंदा, 1 उल्टा, फिर 2 सीधा। सेकेंड रो में जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे। फर्स्ट और सेकेंड रो की तरह ही थर्ड और फोर्थ रो को रिपीट करेंगे। इसमें भी 8 उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा, फिर 2 सीधा और 8 उल्टा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ रो दोनों बुनेंगे। फिफ्थ रो में 7 उल्टा भी बुनेंगे, 7 उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदा एक साथ, इस तरह से 1 उल्टा फंदा और ये एक साथ बुनेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे और 1 जाली बुनेंगे, 1 उल्टा, फिर 1 जाली उल्टा फंदा के बाद बनेगा तो धागा आगे ही रखेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, इस फंदा को उतार लेंगे, 2 फंदा उतारने के बाद इस तरह से लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे और 1 सीधा फंदा, फिर 7 उल्टा, सिक्स रो में ये 7 सीधा बुनने के बाद 2 और ये 3, ये जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 सीधा फंदा, फिर 3 सीधा, 3 उल्टा फंदा और 7 सीधा फंदा। सेवेंथ रो है, इसमें देखिए 6 उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब 1 उल्टा फंदा और 1 ये दोनों मिला करके 1 सीधा फंदा, उसके बाद फिर 1 सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 1 उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, धागा आगे कर लेंगे और फिर 1 सीधा फंदा, उसके बाद इसे उतारेंगे, फिर ये दोनों को उतार करके इस तरह से लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे और 1 सीधा फंदा बुनेंगे। उल्टे तरफ से वही रिपीट करेंगे, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे, जाली वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। ये 9th रो है, इसमें ये 5 उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन दोनों फंदा को मिला करके 1 सीधा फंदा, फिर ये 1 सीधा फंदा,
धागा आगे, यहाँ दो सीधा बुनेंगे। धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, इसी को रिपीट करेंगे। दो सीधा, धागा आगे, फिर एक सीधा, इन दोनों फंदा को उतार करके एक सीधा फंदा, ये पांच उल्टा फंदा। उल्टे तरफ से, जहां उल्टा है वहां उल्टा, और जहां सीधा है वहां सीधा बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, ये 11th रो है, इसमें चार उल्टा, धागा पीछे, फिर ये दोनों फंदा मिला करके एक सीधा फंदा, एक और सीधा फंदा, धागा आगे। यहाँ जो फंदा घट जा रहा है, ये जाली बना रहे हैं उससे बढ़ जाएगा, तीन सीधा फंदा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक दो और तीन सीधा, धागा आगे, एक सीधा फंदा, इन दोनों फंदा को उतार लेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे। इसके बाद चार उल्टा, उल्टे तरफ से वही रिपीट करेंगे, जहां उल्टा है वहां उल्टा बुनेंगे और जहां सीधा है वहां सीधा बुनेंगे। तीन उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा, इसे भी सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे। अब यहाँ जैसे यहाँ फंदा घटा है, उसी तरह यहाँ भी दो फंदा एक साथ बुनेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। सीधा फंदा बुनने के बाद धागा आगे कर लेंगे, और ये जो उल्टा फंदा था बीच का, इसे अब सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा, इस फंदे को उतार लेंगे, दोनों फंदा को उतार करके इस तरह से एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद फिर एक सीधा फंदा, धागा आगे, एक सीधा फंदा, फिर इन दोनों को मिलाकर एक सीधा फंदा। उल्टे तरफ से, ये 14th रो है, 14th रो में पहले ये तीन सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद ये 6 फंदा उल्टा, तीन और तीन छः, 6 फंदा उल्टा, ये जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 6 उल्टा, फिर ये 6 उल्टा फंदा, फिर 3 सीधा, ये 15th रो है, इसमें तीन उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, फिर दो और ये तीन फंदा सीधा, इन दोनों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे, फिर एक सीधा फंदा। यहाँ पांच जाली बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5,
छठी बार में जाली यहाँ नहीं बनेगा। उसके बाद ये तीन सीधा फंदा, एक दो तीन सीधा फंदा बुनने के बाद दो फंदा का को एक साथ बुने हैं, फिर एक सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, धागा पीछे ही रहेगा, फिर एक उल्टा फंदा, यहाँ पे जाली बनेगा, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे और एक उल्टा, धागा आगे ही रहेगा, एक सीधा फंदा, फिर इस फंदा को उतार लेंगे और इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, तीन सीधा, उल्टे तरफ से, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे। ध्यान रखिएगा ये जाली वाला फंदा उल्टा बुना जाएगा। 17th रो, तीन उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक और ये दो सीधा फंदा, अब इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर एक सीधा फंदा, धागा पीछे ही रहेगा, दो उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, दो उल्टा, धागा आगे ही रहेगा, एक सीधा फंदा बुनेंगे, इन दोनों फंदा को उतार कर एक सीधा फंदा, उसके बाद एक और दो सीधा फंदा, तीन उल्टा, उल्टे तरफ से वही प्रक्रिया, उसी को रिपीट करेंगे। जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे। ये 19th रो है, इसमें उसी तरह तीन उल्टा, अब एक सीधा बुनेंगे, इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर एक सीधा फंदा, धागा पीछे ही रहेगा, यहाँ तीन उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे रखेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, तीन उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा आगे ही रखेंगे, अब ये एक सीधा फंदा, फिर इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, उसके बाद एक सीधा फंदा, फिर तीन उल्टा, उल्टे तरफ से जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे। ये 21वां रो है, इसमें पहले तीन उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, अब ये दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद एक सीधा फंदा, धागा पीछे ही रखेंगे, एक दो तीन उल्टा फंदा, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बबल्स बनाया जाएगा। तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद ये एक सीधा फंदा से पहले ये जो उल्टा फंदा है इसमें हम बबल्स बनाएंगे। बबल्स बनाने के लिए धागा आगे रखेंगे और इसमें एक सीधा फंदा, फिर धागा आगे, और इस तरह से देखिए यहाँ पे चार फंदा ये जो बढ़ गया इसे यहीं पर घुमा करके उल्टा बुन लेंगे। अब इन चारों फंदों को एक साथ इस तरह से एक साथ सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये बबल्स बन गया।
उसके बाद ये सीधा फंदा अब उल्टा हो जाएगा। एक उल्टा बुनेंगे, फिर धागा आगे ही रहेगा। अब इस फंदे में उसी तरह से एक सीधा, धागा आगे, फिर एक सीधा। अभी इन चार फंदा को यहीं पर घुमा करके और उल्टा बुनेंगे। फंदा लूज ही रखिएगा। ये देखिए, ये चारों फंदा फिर एक साथ इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे, तीन उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक सीधा फंदा। इस फंदा को उतार लेंगे और इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, उसके बाद तीन उल्टा। देखिए उल्टे तरफ से ये तीन फंदा सीधा, उसके बाद एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। ये एक उल्टा फंदा जो था वो भी अब सीधा बुना जाएगा। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। ये तेरह फंदा सीधा हो जाएगा, उसके बाद एक उल्टा, और ये तीन सीधा। ये देखिए, ये तेईसवां लाइन है, यहाँ सात फंदा बुनेंगे। तीन, तीन छः, एक सात। इसमें बबल्स पैटर्न बना था, अब एक फंदा ये छोड़ करके ये इसमें अब बबल्स पैटर्न बनाएंगे। धागा आगे रहेगा इस तरह से, ये चार फंदा हो गया। अब इसे उल्टा बुनेंगे, फिर सिलाई को घुमा लेंगे और अब इन चारों को मिला करके इस तरह से एक सीधा फंदा। फिर धागा आगे करेंगे, पांच उल्टा बुनेंगे। तीन, चार, और ये पांच उल्टा फंदा। अब इस फंदा में फिर बबल्स बनाएंगे, धागा आगे ही रहेगा। ये देखिए वही पैटर्न है बनाने का। इसे टर्न कर लेंगे, फिर चार उल्टा फंदा, फंदा ढीला ढीला ही बुनेंगे। इन चारों को मिला करके एक सीधा फंदा। इसके बाद सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये 25वां रो है, इसमें 6 उल्टा फंदा बुनने के बाद इस फंदे में अब पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए, पिछली बार इस फंदे में बनाए थे बबल्स पैटर्न, अब यहाँ बनाएंगे। एक फंदा पहले ही, टेक्निक वही है। अब इन चारों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे और चारों को मिला करके एक सीधा फंदा। एक उल्टा फंदा, फिर इन दोनों को मिला करके एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे,
और एक और उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे और इन दोनों को मिला करके एक उल्टा फंदा, ये देखिए यहाँ दो जाली बन जाएगा, एक फंदा यहाँ घटा है एक फंदा यहाँ, ये दो जाली बन गया। इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और धागा आगे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ इस फंदे में अब ये पैटर्न बनाएंगे। सभी उल्टा बुन लेंगे, उल्टे तरफ से सभी फंदे को सीधा ही बुनेंगे। 27th रो, ये 27वां रो है, इसमें रिपीट करेंगे। यहाँ पे ये 6 फंदा उल्टा बुनने के बाद इस पर बबल्स बनाए थे, फिर से यहाँ पे बबल्स बनाएंगे, बबल्स पैटर्न। ये बबल्स बनाने के बाद दो फंदा को एक साथ उल्टा बुनेंगे, धागा आगे ही रहेगा, धागा इसे पीछे कर देंगे और एक यहाँ 3 उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर धागा को उसी तरह तीन उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा इस तरह से पीछे करेंगे और ये दोनों फंदा को मिला करके एक उल्टा फंदा। उसके बाद फिर इसमें बबल्स बनाएंगे, उल्टे तरफ से सभी फंदों को ये सभी फंदा हम सीधा ही इन सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। ये 29वां रो है, इसमें देखिए ये 3 3 6 1 7 7 फंदा बनेंगे। जैसे ये वाला बबल्स बनाए थे 7 फंदा के बाद, उसी तरह ये 7 फंदा के बाद इसमें बबल्स पैटर्न बनाएंगे। बबल्स के बनाने के बाद दोनों को मिला करके एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे करेंगे, अब इन दोनों को मिला करके एक उल्टा फंदा। अब इस फंदे में यहाँ पे बबल्स बनाएंगे, इसके बाद धागा आगे करेंगे और सभी फंदा उल्टा बुनेंगे। उल्टे तरफ से सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। ये 31वां रो है, 31th रो है, इसमें जैसे 21वां रो में बबल्स पैटर्न बनाए थे उसी तरह इसमें भी बनेगा। 3 6 7 8 और ये 9 फंदा उल्टा बुनने के बाद ये इस फंदे में, ये बीच का फंदा है, यहाँ इसके बाद एक उल्टा बुनेंगे,
फिर यहाँ एक बबल्स बनाएंगे। अब इन चारों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टे तरफ से सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन पूरा हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।